वीडियो में बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 3XO के बारे में। तो इस तरह के फीचर आपको थोड़ा इंटीरियर एक्सटीरियर में ऑफर कर जाएंगे, वो सब कुछ वीडियो में देखने वाले हैं। गाड़ी बिल्कुल गजब रहने वाली है, फीचर्स के मामले में भी, लुक्स के मामले में भी। वो इस कार का MX3 वेरिएंट रहने वाला है, जो फीचर्स बिल्कुल बढ़िया मिल जाते हैं आपको। टॉप मॉडल वाली फील आने वाली है इस गाड़ी में, बस कुछ फीचर्स की कमी रहेगी जो कि आपको अपर वेरिएंट में या फिर आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं। फिर आपकी जो गाड़ी है ना, वो पूरी गजब हो जाएगी आपके यूज के हिसाब से। फीचर विस्टा के तो मैं इस गाड़ी की से गुजर रही, आपको इसका की मिल जाएगी। रिमोट सेंटर लॉकिंग की रहने वाली है, जिस पर आपको लॉक अनलॉक का मिल जाएगा। कार की बूट को लॉक करने के लिए यहाँ पर हो गया महिंद्रा का लॉक, यहाँ पर टेप लगा हुआ तो आपको दिख नहीं पा रहा होगा। वही आप गाड़ी की लुक्स देख सकते हैं, कितनी बढ़िया लगती है देखने। और स्पेसलेस कलर में ऐसे आप देख सकते हैं। वो ये इस कार की ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल, LED डायल जब इस गाड़ी के ऑन हो जाते हैं ना, पूरी गजब लगती है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, साइड में यहाँ पर LED डायल्स मिल जाते हैं, और साइड में आपको इंडिकेटर्स भी यहाँ पर ही मिल जाएंगे। और ये इस कार की ग्रिल जो कि पूरी क्लोज सी लगती है देखने में, थोड़ी बहुत आपको इलेक्ट्रिक कार वाली फील आने वाली है। लुक्स पूरे गजब हो गए यहाँ पर, ऐसे आप देते प्योर ब्लैक फिनिश में रहेगी। यहाँ पर आपको क्रोम लाइन मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो हो गया, और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलेगा। अगर आप बिल्कुल टॉप मॉडल के साइड या फिर अपर वेंट की साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर भी मिल जाएगा। और फिर ओवरऑल से लगती है फ्रंट प्रोफाइल, नीचे की साइड होगी सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। वो ये साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की। अगर आप इस कार के अपर वेंट की साइड जाएंगे तो आपको उसमें LUV जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। पर इस कार का MX3 वेरियंट रहने वाला है, इसका जो लोअर वेरियंट भी आता है ना, उसमें आपको इसी तरह के व्हील कवर्स ऑफर होते हैं। 16 इंच के आपको इसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स 205/65 और 16 की प्रोफाइल रहने वाली है। सुपर साइड होगी क्लैडिंग जो कि कार की पूरी बॉडी तक रहेगी। ए पिलर हो गया पियानो ब्लैक फिनिश का, यहाँ बी पिलर भी पियानो ब्लैक फिनिश का रहता है, और सनरूफ जैसे फीचर्स भी आपको इस कार में दिए गए हैं। बी पिलर हो गया ब्लैक कलर का, डोर हैंडल बॉडी कलर के रहने वाले हैं। वो यहाँ पर आपको फिरेड मिल जाएगा क्वार्टर साइड फिरेड कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की। जितनी बढ़िया इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल लगती है ना, उतनी बढ़िया आपको बैक प्रोफाइल लगने वाली है इस टेल लाइट की वजह से। अगर आप इस कार के बिल्कुल टॉप मॉडल की तरफ जाएंगे ना, तो आपको बीच में यहाँ पर कनेक्टिंग भी मिल जाएगी। फिर तो देखने में गाड़ी पूरी गजब लगती है बैक से देखने पर। वो साइड हो गया एंटेना, इंडिकेटर स्पॉयलर मिल जाता है आपको। स्पॉयलर जो रहेगा वो आपको अपर वेरिएंट की साइड दिया जाएगा। हाई मेट्रो लैंप हो गया, रेडियो का बोशे वाइपर जैसे फीचर अपर वेरिएंट में। यहाँ पर हो गया टेल लाइट, इंडिकेटर बैक लाइट में हो गया बल्ब, 3XO की बैजिंग हो गई यहाँ पर, महिंद्रा का लोगो हो गया। यहाँ पर नीचे से रिफ्लेक्टर्स, दो पार्किंग सेंसर्स रहने वाले हैं, नीचे साइड की सिल्वर कलर की प्लेट। अब चलिए मैं आपको इसका बूट दिखाता हूँ, कितना स्पेस इस कार के बूट में ऑफर करा जाएगा। ये रहा सारा बूट, पांच सीटें अपर वेंट में दी गई है मिल जाएगा। वही रहा स्पेयर व्हील, टूल किट के साथ अच्छे से मैनेज कर रखा है। ये तो बात इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। ऐसे हमने कहा सभी बढ़िया फीचर्स आपको इस कार के एक्सटीरियर मिल जाता है, आपको किसी भी तरह की फीचर्स में कमी नहीं लगने वाली है। यार आपको लॉक अनलॉक करने के लिए की का ऑप्शन मिल जाता है, कीलेस एंट्री आपको नहीं मिलेगी। और ऐसे देखने पर आपको किसी भी तरह की फीचर में कमी नहीं लगेगी, गाड़ी पूरी बढ़िया रहने वाली है। जैसे हमने आपको बताया दिया इस कलर में तो बिल्कुल बेस्ट लगती है। अगर आप 3XO देख रहे हैं ना, तो आप इस कलर को पहले प्रीफर करना। और सनलाइट में मैं इस टाइम पर वीडियो बना रहा हूँ, तो इस टाइम तो इसका रेस्पॉन्स अलग ही लग रहा है देखने में। पूरी गजब लुक आ रही है इस गाड़ी के निकल के। फीचर्स तो आप आफ्टर मार्केट कितने भी करवा सकते हैं, इस तरह के लुक्स हो गए। और जब मैं आपको इंटीरियर दिखाऊंगा ना, आपको बिल्कुल पसंद आने वाला है, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में ऑफर करे गए हैं। फीचर्स के मामले में तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस आपको LUVs लगवाने की जरूरत है इस गाड़ी में, फिर किसी भी तरह की फीचर की कमी नहीं है। 10 लाख रुपीज़ के शोरूम प्राइस पर आपको एक कार मिल जाएगी। जैसा देते इतने प्राइस में आपको इतने बढ़िया डायमेंशन की गाड़ी मिल गई है। वो बात करता हूँ ऑन रोड के बारे में, तो आप अप्रोक्स मान के चलिए आपको 12 लाख रुपीज़ के अंडर ऑन रोड प्राइस मिल जाएगी। हर सिटी का जो ऑन रोड प्राइस है वो डिफरेंट रहता है। इसका आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 3 BHP की पावर और 200 Nm का टॉर्क। 4 सिलेंडर में रहती है कार। अगर आप डीजल इंजन लेंगे तो उसमें आपको 300 Nm का टॉर्क भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन है। अगर आप सेल्टोस हो गई या फिर क्रेटा से भी कंपेयर करते हैं स्पेस में जो भी आती हैं। फीचर में आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, उस तरह के फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में ऑफर करे जाएंगे। जैसे मैं आपको बताया जाए, डुअल टोन कलर में इंटीरियर रहने वाला है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। और वही पैटर्न आपको सारे डोर पे दिखाई देगा, डुअल कलर में रहेगा। डोर अपना हो गया ब्लैक कलर का, 4 पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए। ड्राइवर साइड आपको ऑटो ओवर डाउन पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एक्सट्री फोल्डेबल है। RPM यहाँ पर कंट्रोल्स हो गए, बट स्पेस साइड में स्पेस यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। नीचे साइड हो गया पेडल लैंप, क्योंकि बाहर से देखने में उस तरह का लगेगा इंटीरियर इस कार का। ये ड्राइवर साइड सीट रिक्लाइनिंग का हो गया, हाइट एडजस्टमेंट का नहीं है, आप फ्यूल को ओपन करने के लिए। मेरा सर का बैक डोर, डोबनों का ब्लैक कलर का पावर विंडो कंट्रोल है, बट स्पेस और स्पीकर।
सर का रहने वाला इंटीरियर कार है, क्योंकि हम सभी फीचर्स को देखने वाले हैं किस तरह के फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में ऑफर करे जाएंगे। डुअल टोन कलर का इस कार में इंटीरियर रहने वाला है जो कि देखने में काफी प्रीमियम लगेगा, और इसी के साथ आपको फीचर्स भी पूरे प्रीमियम दिए गए हैं इस गाड़ी में। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं लार्ज साइज का आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8 मीटर स्पीडोमीटर आपको इसमें एनालॉग मिल जाता है, बीच में आपको MID मिल जाएगी कितना चली है कार, क्या माइलेज दे रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिखती रहेंगी। यहाँ पर हो गया टेम्परेचर और फ्यूल के लिए, ये रहा 8 मीटर, ये रहा स्पीडोमीटर, कुछ आपको उसमें अलर्ट लाइट्स मिल जाएंगी, और ये ड्राइवर साइड एसी वेंट, साइड में आपको पैनोरामिक फिनिश मिल जाएगी, एडजस्टेबल स्टोर बटन और ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाएगा, और ये रहा इसका स्टीयरिंग व्हील, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है, महिंद्रा का लोगो हो गया, स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आपको दिए जाएंगे। ये रहा सेंटर कंसोल इस कार का, 10 इंच का आपको इस कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, कि एंड्रॉइड ओटे पर आप लेके साथ रहेगा, साइड में आपको पैनोरामिक फिनिश मिल जाती है, साइड में AC vent की साइड में आपको क्रोम मिल जाएगा, हजार लाइट का बटन हो गया, और यहाँ पर हो गए AC के कंट्रोल्स, USB पोर्ट हो गया, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स आपको MX3 वेरियंट में ऑफर करे जाते हैं। 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है, उस तरह का नोब रहेगा, साइड में पैनोरामिक फिनिश हो गई, ये रहा हैंड ब्रेक आर्म रेस्ट, ये रहा ड्राइवर सनवाइजर, सनग्लास होल्डर, कैबिन लैंप रहेंगे यहाँ पर, और सनरूफ कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, सनरूफ मिल जाती है कितने साइज की, और ये IRB मैनुअली टीनेट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और ये कोड रेस्ट सनवाइजर वैनिटी मिरर के साथ रहेगा यहाँ पर, और टिकट होल्डर भी मिल जाता है, ग्रैब हैंडल हो गया, और ये भी इसका की फ्रंट सीट्स जिसमें आपको मिल जाएंगे एडजस्टेबल हेड रेस्ट, फैब्रिक सीट्स रहने वाली है, जिनपक्स का डिजाइन बना हुआ है, और ये कार का ग्लव बॉक्स काफी बढ़िया साइज का ग्लव बॉक्स रहेगा, यहाँ पर आपको पैनोरामिक फिनिश मिल जाएगी, और ये कोड रेस्ट डोर इस कार का, टॉप में हो गया ब्लैक कलर का, बॉर्डर स्पेस है, टॉप में स्पेस और स्पीकर, ये तो बात है, फ्रंट सीट पर बैठकर आपको यहाँ पर जो भी फीचर्स मिल जाते हैं वो आपको दिखाई दिए हैं, किसी भी तरह की फीचर में कमी नहीं रहने वाली है, सभी बढ़िया फीचर्स आपको इस कार की इंटीरियर में ऑफर करे जाएंगे, और मैं आपको इस कार की रेयर सीट पर चलकर दिखा दूँ, वहाँ पर आपको कितना स्पेस मिल जाएगा, वो ये रेयर सीट इस कार की, अंदर थाई सपोर्ट भी बढ़िया रहने वाला है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया एडजस्टेबल हेड रेस्ट, वो ये रहा बैक डोर इस कार का, टॉप में ब्लैक कलर का, पावर विंडो कंट्रोल है, बॉडी स्पेस, जो खाने स्पेस, और लेग रूम हेड रूम के हिसाब से पूरी गजब रहेगी गाड़ी, और स्पेस भी अच्छा मिल जाता है रूफ में, यहाँ पर भी कैब लैंप हो गया, हेलोजन में रहेगा, ग्रैब हैंडल हो गया, यहाँ पर फ्रंट में एडजस्टेबल हेड रेस्ट, बैक में एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, 60:40 में आप रियर सीट को स्प्लिट कर सकते हैं, और रियर AC वेंट्स दिए जाएंगे आपको यहाँ पर, टाइप सी पोर्ट हो गया, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, कुछ साइज का हो गया यहाँ पर हम, वो ये रहा बैक डोर इस कार का, उस साइड एयरबैग्स मिल जाते हैं, टोटल 6 एयरबैग्स गाड़ी में रहने वाले हैं, तो सेफ्टी पॉइंट व्यू से भी बिल्कुल गजब रहेगी गाड़ी। तो ओवरऑल सकते इस कार का बोल रहा हूँ, जो भी फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हो ना, कुछ सभी दिखा दिए, फीचर्स के मामले में पूरी गजब रहने वाली है गाड़ी, आपको किसी भी तरह की फीचर में कमी नहीं लगेगी, लुक्स बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, इस कार का MX वेरियंट भी आता है, उसमें कुछ फीचर्स कम रहते हैं, लेटेस्ट फीचर आपको नहीं मिलेंगे, जैसे वायरलेस चार्जिंग का फीचर हो गया, बल्कि अगर आप कोई फीचर लोडेड गाड़ी देख रहे हैं, आपको आफ्टर मार्केट काम बिल्कुल नहीं कराना, बस LEDs लगवाने हैं, तो आपके लिए वाली गाड़ी बिल्कुल बेस्ट रहने वाली वाला वेरिएंट। तो चलिए आपको इसका किसी और वेरिएंट की वीडियो देखने है, किसी और कार का बैकग्राउंड देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।